और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह उठेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। जवानों को आपको मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है, और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार है। 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास, तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश में कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने, वो तड़ी पार है। अमित शाह आपको पता नहीं है क्या, वो तड़ी पार है। ये तो वक्त, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी और हमारे देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इस 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। ये रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन का खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, हिंदुत्व का करेंगे क्या, चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हमने मंदिर नहीं, मंदिर खाने को देगा क्या? फिर कब्जा कर लेगा तो क्या आफत आ जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं, तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मैंने ये कहा, जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। देश का नाशकरण का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के अग्निपथ को वापिस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएं। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार लड़ना पड़ेगा। वही बात है, एक बारूद है, उसको चिंगारी देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश इस आंदोलन को भी, जैसे 3 काले कानूनों के लिए हम लड़े थे, अग्निपथ को भी एक हम दशा और दिशा देंगे, और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे आप? नहीं, इसमें क्या शक है, भाजपा के खिलाफ 2 साल से तो लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, नरेंद्र मोदी है क्या, हमने तो बनाया नरेंद्र मोदी को, कौन सी बड़ी तोप है नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर है वो, फिर क्या बात होगी, बनाने वाले हम है। 56 इंच का सीना है हमारे हाथ, जो किसान होते हैं ना वो एक मुट्ठी से बोते हैं और दोनों हाथों से काटते हैं। ये कोई राजनेता नहीं है, किसी माता ने पैदा नहीं किया, हमने बटन से पैदा किया, तो बटन से ही मार देंगे नरेंद्र मोदी को। जी वापस नहीं होगा ये अग्निपथ की लड़ाई, ये कहने की बात है। उन्होंने तो ये भी कहा था 3 काले कानून भी वापस नहीं होंगे। 700 लोग उसमें शहादत हुई। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। 1400 जवानों को आप कुर्बान? मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है। 750 हम बुजदिल नहीं है, हम वो कौमे नहीं है जो घर के अंदर बैठ के इनकी तानाशाही को मतलब सहन करे। हम शहादत देते आए हैं, और पूरी आप इतिहास उठा के देख लो, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहाँ की माताओं ने हमेशा शहादत दी अपने बच्चों, और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि हमने अपना देश बचाना है, यह सिर्फ एक नस्ल फसल की लड़ाई नहीं, हमें समझ में आ चुका है। अडानी अंबानी के दरवाजों पे खड़े करने के लिए हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है ना, और अडानी अंबानी के दरवाजों पे खड़े होने के लिए नहीं है। आने वाले टाइम में 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास, तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश में कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने, और ये कहते हैं आरएसएस के दफ्तरों पे हम लगाएंगे हमारे बॉडीगार्ड। क्यों भाई, हम लगा लेंगे अपने बॉडीगार्ड, आप खेत में आ जाओ, पैसा देंगे ना? नहीं, फिर पैसा हमारे 20,000 रुपया महीना भी जरूरत नहीं है ना हमें पैसा देने की इनके, मतलब ये जो पैसा लेते हैं, गाड़ियों का खर्चा लेते हैं, मेहनताना लेते हैं, भत्ता लेते हैं, एक दिन के लिए भी एमएलए बनते हैं, पेंशन लेते हैं, किसके बाप की जाती है, ये हमारी है, हम टैक्स देते हैं सुई से, यदि हम जहाज तक खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, यदि किसान ने 2 साल अनाज नहीं बोया ना, 2 साल अनाज नहीं बोया, और इस देश को अपने जवान नहीं दे हमारे जैसी माताओं ने, इस देश के पास ना जवान है, ना किसान है, और ना अन्न है। आप अपने बच्चे को कुर्बान कर देंगे? नहीं, कुर्बान मजबूरी है ना, अब भी तो कुर्बान होने लग रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ छोड़ रखे हैं? सारे मंत्री इसके खिलाफ हैं। मंत्रियों को हम, मंत्री है क्या जी? कोई बात मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर, पता है क्या, वो तड़ी पार है। कौन तड़ी पार है? अमित शाह, आपको पता नहीं है क्या, वो तड़ी पार है। ये तो वक्त, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी और हमारे देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है ये, ये दुर्भाग्य है, और इसमें सच्चाई क्या है, इसमें सही क्या? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ पता है, वो ईमानदारी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में ईमानदारी है,
और आपने हरियाणा में भी देखा होगा राज्य मंत्री राज्य में एक पद के लिए जो था हमें पता है कितने कह रहे हैं कि वो सेना को देने के लिए पैसे नहीं है विधायक नहीं फिर वो मांग लेंगे ना महाराष्ट्र में 100-150 करोड़ की पता क्या है इनके पास एमएलए एमपी खरीदने के लिए पैसे हैं हमारे बच्चों को मतलब बॉर्डर पे खड़े रखते हैं गर्मी में सर्दी में हमारे बच्चे खड़े होते हैं हमारे बच्चे 20 साल नौकरी करके अपने परिवार से दूर रह के इनके पास पेंशन के पैसे नहीं है जैसे कोरोना काल में इन्होंने 5-5 रुपए और 5-5 किलो अनाज हमसे मांग लिया था अब फिर ये जोड़ी करके ये सरकार मांग ले हम फिर दे देंगे क्योंकि किसान दाता है और अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार है पर इनके एमएलए एमपी को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है वो अग्निपथ में 4 साल के लिए बच्चे जाएंगे कई सारे हजारों बच्चे चले गए 44,000 बच्चे ने भर्ती होगी जी फॉर्म भर दी जी तो वो लोग तो जाएंगे आप विरोध कर रही है नहीं नहीं विरोध करने का क्या बात है वो नरेंद्र मोदी न बीवी है न बाल बच्चा है देश के लिए समर्पित है मैडम आप ऐसे ना नहीं पता है वो तो झोले उठा कर चला जाएगा ना तो ठीक उसने पता है क्या है उसके बच्चे को नहीं तभी तो उसने पता को नहीं बच्चे का दर्द क्या होता है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है कैसे लिखाया जाता है कैसे हमारे बच्चे देश को बच्चा मानते हैं वो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है उन लोगों ने तो वही बात है सब कुछ खाना पीना है खा पी लिया इसके गलत बोल रही नहीं प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है इसने 75 जी घटिया प्रधानमंत्री जी 15 जो आप गलत बोल रहे हैं 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया इसने सारा बेच खाया अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा सब कुछ बेच दिया इसने सिर्फ जो पैसे लगाए वो आरएसएस के दफ्तरों पे लगाए और इसने किसी के लिए कुछ नहीं बना देश की रक्षा करती है नहीं आरएसएस आपने बता दो मामला देश की आजादी में आरएसएस की क्या भूमिका है हमें एक बंदा भी बता दो यार ऐसे वाले तो माफी वीर है हम माफी वीर नहीं हम क्रांति वीर है समर्पित लोग हैं नहीं हमने तो देखा नहीं समर्पित वीर हैं जी हाँ हम लड़ने लग रहे हैं क्रांति करेंगे आप जरूर करेंगे मोदी के खिलाफ जी हाँ इसमें क्या गलत है हमने कल हमारी फसल बचाई है आज हमारी नस्ल बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे कि आप गुमराह हो चुके हैं नहीं नहीं गुमराह आपका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है पता है क्या विपक्षी दलों में राहुल गांधी ने एक बात बताओ राहुल गांधी होता तो हमें लड़ने की जरूरत क्या थी यदि हम लड़ रहे हैं विपक्ष नहीं है हमारे पास विपक्ष किसान खड़े हैं जवान और किसान की लड़ाई है रोटी और बेटी की लड़ाई है जो ये सरकार ये कह के आई थी नहीं गंगा को बचाएंगे बेटी को बचाएंगे गौशाला गाय को बचाएंगे गौ की सबसे ज्यादा बिरयान माटी बेटी की सबसे ज्यादा बिरयान माटी और गंगा की सबसे ज्यादा बिरयान माटी ये कहते कुछ और है ये रंडों की सरकार है झूठों की बौछार है लेन देन का खक नहीं साहूकारी में शक नहीं मोदी जी को योगी जी को खट्टर जी को हाँ हाँ रंडे है और क्या है जिसका है वो छोड़ के नहीं वो छोड़ के बैठ गया शर्म नहीं आंदी ये तो अग्नि पथ लिया इनकी अग्निवीर बनावागा मामे इनकी सदनवीर बनाए देंगे 2 साल में बिक जाए करो ये वोट लेकर नर ना पिल्सनर ना कुछ और सारे बत्ते छोड़ो सारे ऐसो आराम छोड़ो समर्पित लोग हैं मैडम इन लोग मामने कौन सा देश का कानून तोड़ दिया समर्पित तो आम हाँ आप लोग भड़का रहे हो नहीं मेरी बात सुनो समर्पित लोग युवाओं को भड़का मेरी बात सुनो हम जहाँ समर्पित लोग तो आम सा सवेरे किसान है फसल इस देश ने कोई दे रहा नहीं कमाए का दे रहा है तो किसान है और यदि जवान जो रक्षा कर रहे नहीं चाहती आप नहीं हिंदू तो हाँ चाहती है ना नहीं हिंदू राष्ट्र अच्छा बच्चे भी मारे खत्म हमारे नस्ल भी खत्म हमारे फसल भी इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ इधर करना चाहेंगे हम क्या करेंगे हिंदू का हिंदी हिंदी बोलिए नहीं हिंदू की हमें जरूरत नहीं है ऐसे नहीं जरूरत है आपको नहीं 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 एक बात बताओ हिंदू की क्या जरूरत है जब एक बात बताओ नस्ल नहीं बचेगी फसल नहीं बचेगी हिंदुत्व का करेंगे क्या हम चटेंगे क्या हिंदुत्व को हिंदू नहीं चाहिए आपको नहीं हमने मंदिर नहीं मंदिर खाने को देगा क्या हमारे बच्चे यदि वहाँ बॉर्डर पे मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा मुसलमान कोई एक बात बताओ मुसलमान कोई बाहर का थोड़ा है वो हिंदू से ही मुस्लिम बना है कोई बड़ी बात नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई ये तो ये आरएसएस या जब से ये बीजेपी आई है जब से हमारे अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया नहीं बाकी कुछ नहीं हमें एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं और आपने देखा आंदोलन के दौरान भी हमें एक ही साथ थे एक ही साथ हम लड़ रहे हैं देश पे कब्जा कर लेगा नहीं फिर कब्जा कर लेगा तो क्या आफत आ जाएगी यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है मोदी से बेहतर है जी मुगलों का शासन नहीं मुगलों का शासन होगा कहाँ हम बराबर में तो हैं हम भी तो बराबर में हैं मुस्लिम कहाँ कब्जा करे बैठे हैं बेचारे आप मोदी जी के बातों को ध्यान सुनिएगा तो लगेगा कि आपको देश हित में हमें देश हित के लिए 55 इंच के सीना वाले मोदी ना जी, तो ना राष्ट्र वाले मोदी जी देश भर से पंगा लेके विदेशों में डंका बजाते हैं मोदी जी हाँ वो डंका बज रहे आज आपने पता है आज हमारी मुद्रास्फीति कहाँ आ गई 79 पे आ गई भूटान के बराबर इससे नीचे गिरने के लिए कोई जगह नहीं बची है हमारे देश में डंका बचा लड़ाई नहीं है और कहाँ की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हिंदू मुस्लिम यदि हमारे पेट में अन्न नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम का क्या करेंगे हम हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा आपको डर नहीं लग रहा मोदी जी से नहीं हमें किसी से जेल में डाल देंगे हमें नहीं डर लगता हमारे पास हमारा एक सिक्किम को डालेंगे लाखों
लक्ष्मी बाई है, आज लाखों सिक्किम खड़ी है, किस किस से लड़ेगा? और मोदी की तो इतनी औकात ही नहीं हो, अपनी बीवी ने छोड़े फिर वो मारे भर गया तो कौन आवा था? नहीं, 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 बोली, क्या बोला आपने? मैंने ये कहा जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। हमारे तक पहुंचने के लिए उसको ये पता है, हमारे लाखों भाई, लाखों हमारे बेटे, हमारे पति हैं, हमारे काके ताऊ हैं, हमारे चाचे ससुरे हैं, उनसे होके गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। इतना मोदी, यदि मोदी के हाथ में होता तो तीन काले कानून वापिस ही नहीं लेता ये, यदि इतना मर्द होता। आप कुछ भी कर लो, कितनी कुर्बानी, अग्निपथ वापस नहीं होगा, देश हित की बात है ये। नहीं, ये देश हित की बात नहीं है, देश का नाश करने का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप कर रहे हैं देश? नहीं, हम तो देश को बचा रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं? नहीं, हम तो देश को बचा रहे हैं। एक से एक गुमराह कर सकती है, हजारों लोग है, हजारों लोग गुमराह नहीं कर सकते इस चीज को। क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं अग्निपथ को वापिस लिया जाए और जो पुरानी भर्ती स्कीम है उसी के तहत। नहीं, वो तो होगा, हम मतलब अपनी ताकत से करेंगे। अभी हमने बारूद को चिगारी देना शुरू कर दिया, आने वाले टाइम में ये बारूद एक बड़ा सिस्टम बन के खड़ा होगा और हम दिल्ली में जो ताना शाह बैठे हैं ना, पहले झुकाने का काम किया और आगे दोबारा से दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस ताना शाह को झुका के अग्निपथ को वापिस करा के जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएंगे। आप मोदी जी को धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। हरियाणा की एकमात्र शक्ति उसको समझा रही है, नहीं तो हमारा हरियाणा में एक कहावत है, ऊंट पर चढ़िया ना कुत्ता पैड़ लिया करा है, मतलब आदमी के उल्टे लग गया करा, नहीं ऊंट के ऊपर बैठा है ना कुत्ता पैड़ लिया करा, ये कुत्ता पैड़ लेगा इसने और कुछ नहीं। कुत्ता? हाँ, कुत्ता का मतलब है जो ये किसान है ना, जब ये भोगते है ना, ये काटते भी है और काटते हैं तो असली वाला काटते हैं। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो वहाँ गद्दार जो वहाँ गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे 2024 में। कलम कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार लड़ना पड़ेगा।